हाय गाइस, तो अब मेरे लंच का टाइम हो गया है और आज मैं आपको लंच में एक ऐसा डाइट बताने वाली हूँ जो जादुई है। मतलब इसे अगर आप खाएंगे तो आप महीने में नहीं बल्कि एक वीक में अपना 3 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है और क्या खाने वाली हूँ मैं आज। और मैं इसे कंटिन्यू रखने वाली हूँ। मतलब मैं दोपहर में इसे कंटिन्यू करूंगी और मैं आपको पूरे एक वीक का पूरा लंच का मेन्यू दिखाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या जादुई खाना मैं आज यहाँ पर खाने वाली हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर हमारा बैकग्राउंड है पीछे यहाँ पर हारमोनियम है और ये मैं हूँ। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना डाइट जो आज मैं लेने वाली। तो दोस्तों ये है आज का मेरा मेन्यू। तो देखिए ये दाल है, ये गर्मा गर्म अरहर की दाल है जिसे मैंने टमाटर प्याज और से छोंका हुआ है और बहुत ही कम तेल में मैंने इसे छोंका है। साथ में इसमें हरी मिर्च है, धनिया है और इसे मैंने थोड़ा गाढ़ा बनाया। इसमें जीरा और वो भी डाली है मैंने, सरसों जिसे कहते हैं मोटी वाली। अब यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ है, दाल आपको खानी है, रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, दाल आप भले 2-3 कटोरी खा सकते हो। ये देखिए खीरा है, खीरा के ऊपर ये धनिया है, ठीक है, ये प्याज है बारीक बारीक, ये गाजर है। चाहें तो आप इसमें, अभी मौसम चल रहा है तो आप इसमें मूली भी डाल सकते हैं, चुकंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मूली नहीं थी तो मैंने ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिया है। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं दाल को खाऊंगी। अब आप चाहें तो अलग अलग खा सकते हैं और चाहें तो आप इसको, जैसे कि आप मान लीजिए ये मुझे खीरा है ना, खीरा मैं ऐसे करके मिक्स कर लूँगी, है ना, या आप चाहें तो मिला लीजिए, या जैसे हम दाल चावल खाते हैं कुछ वैसा ही आप समझिए कि आप दाल चावल खा रहे हैं और आप उसमें खीरे को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना है और खाना है और ये एक जादुई खाना है। मैं इसे खा के देखती हूँ। लवली, ये कॉम्बिनेशन अगर आप खाएंगे, मैं खा लेती हूँ पहले। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आफ्टरनून में अगर आप खाते हैं, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट में शेक लिया था, फिर मैंने एक हेल्दी स्नैक में मैंने वॉलनट लिया था, फिर मैं अब लंच में ये ले रही हूँ जिसमें 2 कटोरी दाल, और जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक दाल 2-3 कटोरी जो भी है वो ले सकते हैं हम। सैलड लेना है इतना सारा, इसमें 2-3 चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। इवनिंग में मैं फिर कुछ मखाने में खाने ले लूँगी अगर 4-5 बजे मुझे लगता है कि हाँ खाना है तो, या थोड़ा सा ले ही लूँगी और शाम को मैं फिर शेक लूँगी। तो ये पूरा एक रूटीन रहेगा मेरा और इसको मैं हफ्ते में 3 बार रिपीट करूँगी। बीच में मैं खिचड़ी लूँगी। अब मैं खिचड़ी कौन सी लूँगी वो भी मैं बताऊँगी। तो अगर आप चाहें तो इस जादुई खाने का इस्तेमाल करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको मेरा। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर माय ब्लॉग, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें और प्यार अपना देते रहें। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये जादुई फूड? ठीक नहीं था, ओके। अगर अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करना, हाथ से गड़बड़ हो रहा है। ओके, अगर ये अच्छा लगा तो मुझे बताना ज़रूर, मैं इसे आपको एक बार खा के दिखाती हूँ। देखिए ना लवली टेस्ट आ रहा है ना इसका, कि पूछिए मत। ये देखिए रोटी स्किप कर दीजिए, 3 महीने तक रोटी चावल बिल्कुल कम कर दीजिए। हफ्ते में एक बार चावल, एक बार रोटी, एक या दो बस। चावल बिल्कुल छोटी कटोरी, इससे भी छोटी कटोरी, इससे भी छोटी कटोरी, क्योंकि इससे कम होगा पक्का, मुझे विश्वास है। ठीक है जी, थैंक यू।